हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, हम यहाँ पर एक नया टॉपिक जिसके लिए हमने आपसे बात की थी वो स्टार्ट कर रहे हैं, और वो है चेंज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है। कैसे हम इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र चरता को चेंज करते हैं सॉल्यूशन करने के लिए ठीक है। तो हमने जो पहले जो मेथड लिए थे दोनों, उसमें क्या किया था कि हमने वाई को यानी कि जो आश्रित चर था, जो डिपेंडेंट वैल्यू थी, उसको चेंज किया था हमने किसमें, हमने चेंज जो किया था ठीक है, वो चेंज किया था हमने वाई को यानी कि इंडिपेंडेंट सॉरी डिपेंडेंट वैल्यू को ठीक है। लेकिन अब हम जो चेंज करना चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं एक्स को, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो है हर बार वाई को चेंज करके सॉल्यूशन निकालना नॉट पॉसिबल होता है ठीक है। तो हम यहां पर देखते हैं, माना जितने कोटि का रैखिक अवकल समीकरण जो है आपके ठीक है, वो है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर आर ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई तो आप जानते ही हो ठीक है, जहां पर पी क्यू व आर एक्स के फलन है ठीक है। और माना कि स्वतंत्र जो एक्स है हमारे पास वो जेड में हम चेंज कर सकते हैं ठीक है, जेड में परिवर्तित किया जा सकता है ठीक है। देन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी जेड, अगर जेड में चेंज करना चाहे तो, और डी जेड अपॉन क्या जाएगा डी एक्स हो जाएगा राइट। और अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर को चेंज करना हो तो डी अपॉन डी एक्स करें हम डी वाई अपॉन डी जेड का इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स का ठीक है। अब देखो अंदर तो एक्स है और यहां पर क्या है वाई और जेड है, तो ऐसे सॉल्यूशन होगा नहीं, वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर डी अपॉन डी जेड कर देते हैं, अंदर वाली वैल्यू वैसे ही वैसे रहने देते हैं, और यहां पर जो हम हैं वो डी जेड अपॉन डी एक्स कर देते हैं ठीक है। यानी कि हमने डी जेड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया राइट। तो ये क्या बन गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर जो है वो चेंज हो गया। यहां पर देखो मल्टीप्लाई करो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, इसका साथ इसका करोगे तो क्या आ जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा। फिर प्लस इसका करोगे आप तो डी वाई अपॉन डी जेड इंटू डी स्क्वायर जेड अपॉन डी स्क्वायर इसका करोगे तो ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी राइट। तो अब इनको हम जब सॉल्व करेंगे आगे इस दोनों मानों को आप इसमें रखोगे जब समीकरण नंबर एक में ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास वो हमें देखना है। इन मानों को समीकरण नंबर एक में प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी जेड इंटू डी स्क्वायर जेड अपॉन डी स्क्वायर। ये वैल्यू तो किसकी आ गई
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर की प्लस पी इंटू डी वाई अपॉन डी समान रखो तो ये जाएगा डी वाई अपॉन डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई बराबर आर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर को रखना है, बाकी सब टर्म को वहां भेज देना है। ठीक है, तो हमारे पास टर्म क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर राइट प्लस डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स और अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ आया हमको, और पी इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स रह गया। हमने क्या किया यहाँ पे डी वाई अपॉन डी जेड और डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो टर्म यहाँ पर बन गई इस प्रकार से, इंटू में डी वाई अपॉन डी जेड प्लस क्यू अपॉन में डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू में वाई बराबर आर अपॉन में डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे मिला है और इस सॉल्यूशन को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखो जो वैल्यू है, हम अब जो मेन वैल्यू याद रखने वाली है वो ये वैल्यू है पी वन डी वाई अपॉन डी जेड प्लस क्यू वन इंटू वाई बराबर आर वन, यानी कि जो समीकरण थी हमारे पास बस वो चेंज हो गई जेड वाली फॉर्म में, समीकरण वही की वही है, बस यहाँ पर क्या था एक्स था, यहाँ पर क्या है जेड है। ठीक है, तो पी वन क्या हो जाएगा आपके पास डी स्क्वायर जेड अपॉन डी स्क्वायर प्लस पी इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यू वन क्या है हमारे पास क्यू अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर तथा आर वन जो है हमारे पास वो क्या है आर अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर, जो पी वन है हमारे पास वो तो क्या है ये टर्म है। ठीक है, जो क्यू वन है हमारे पास वो ये टर्म है। ठीक है, आर वन जो है वो ये टर्म है। क्लियर, तो पी वन क्यू वन आर वन के मान आपको याद रखने पड़ेंगे, बाबा लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये पूरा नंबर प्रोसेस करने की जरूरत है। ठीक है, पी वन के मान डी स्क्वायर जेड अपॉन डी स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स और नीचे क्या है डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। क्यू का मान ये है क्यू, ये सिंपल सिंपल मान है दोनों, मेन तो हम आपको क्यू और पी से ही काम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम आर वन पर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पी वन क्यू वन आर वन है ना वो एक्स क्यू वन तथा आर वन ये एक्स के फलन है, लेकिन इन्हें हमें हमने जेड और एक्स के मध्य संबंध से निकाला। ठीक है, तो अब जो मेन है प्रोसेस कि इसको सवालों को सॉल्व कैसे करना है वो चीज हम यहाँ पे सीखेंगे। तो हम एक काम करते हैं कि सीधे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको समझ में आसानी हो, लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको पी वन क्यू वन और आर वन के मान याद होंगे तभी है काम चलेगा, लेकिन बिना इसके आप ये प्रोसेस से काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो सवाल लेके चलते हैं। सवाल जो हमारे पास होगा इसका क्या है तो देखिए जरा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है और ये कह रहा है कि कॉस एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के टू वाई कॉस क्यूब एक्स बराबर टू कॉस की पावर फाइव एक्स। ठीक है, कॉस एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के टू वाई कॉस की पावर क्यूब एक्स। ठीक है, और बराबर टू कॉस फाइव एक्स। तो पहले काम क्या करेंगे, कॉस एक्स का डिवाइड करना है। ठीक है, मानक रूप में लिखेंगे इसको, समीकरण को मानक रूप में लिखने पर, मानक रूप में लिखने पर तो हमारे पास क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स यानी कि टेन एक्स
ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के टू वाई, एक कॉस कट जाएगा तो क्या रह जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और भी कट जाएगा तो क्या रह जाएगा कॉस की पावर फोर एक्स। ठीक है, अब देखो पी का मान क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स यानी कि टेन एक्स। क्यू का मान क्या हो जाएगा, ये माइनस के टू कॉस स्क्वायर एक्स, याद रखना ये जो टर्म है पी और क्यू के मान है, अब इनको चेंज करेंगे हम किसमें, पी वन क्यू वन वाले में, और r का मान क्या है 2 cos की पावर 4x। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं कि समय पर जो स्वतंत्र चर है x को z में परिवर्तित करके करने पर, ठीक है, समीकरण नंबर एक निम्न रूप में बदल जाता है, बदल जाता है। ठीक है, एक्स को जेड प्रदर्शित करने पर जो समीकरण नंबर एक है वो चेंज हो जाता है, और देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई अपॉन डी जेड प्लस क्यू वन इंटू वाई बराबर आर वन। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, अब पी वन क्यू वन मान निकालने हैं, वो कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला तो आपको पता है सबके, आपको ये होने चाहिए। देखो क्यू वन का मान क्या होता है, क्यू अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, राइट होता है, यहाँ से हम मान निकालेंगे आपका, मेनली काम तो यहाँ से करेंगे। क्या करना है काम, हमें जो विधि है वो क्या है कि याद तो हम क्या है क्यू वन को अचर माने, Q1 को के बराबर में कोई टर्म है ना उसको अचर माने, जिससे हम यहाँ पर dz अपॉन dx का मान निकाल सकें, या फिर P1 का मान लेते हुए हम उसको जीरो बनाने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये दो तरह से काम करना है कि z का चयन इस प्रकार से करना है, या तो क्या है Q1 हो जाए अचर, और या फिर जो हमारे पास है P1 वो हो जाए जीरो, तो हम यहाँ पर लेते हैं Q1 वाले अचर वाले फॉर्म बनाते हैं पहले इसको। तो Q क्या है, माइनस के टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो Q1 जो है बराबर में वो मैं ले रहा हूँ अचर, अचर क्या है यहाँ पर माइनस के टू, मैंने क्या ले लिया माइनस के टू ले लिया। ठीक है, माइनस के टू से माइनस टू कैंसिल यानी कि वन हो गया, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, बताओ होगा या नहीं, माइनस माइनस कैंसिल और टू से टू कैंसिल वन हो जाएगा, यहाँ पे अचर हो जाएगा ना, तो डी जेड अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स, राइट, और यहां से आप इंटीग्रेशन करके जेड का मान कर सकते हो, जेड बराबर क्या हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, हो जाएगा, तो अब हम इसमें आगे चलते हैं, ये तो हो गया हमारे पास क्यू वन का मान। ठीक है, हम निकालते हैं पी वन का मान, का मान क्या है डी स्क्वायर जेड अपॉन डी स्क्वायर प्लस पी इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो आपने जेड का मान निकाला साइन एक्स, और डी जेड अपॉन डी एक्स का मान क्या है आपके पास कॉस एक्स, तो यहां से डी जेड अपॉन डी एक्स का जो मान है इसमें एक बार अपन कर देते हैं, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस के साइन एक्स। ठीक है, तो जाएगा माइनस के साइन एक्स प्लस पी का मान क्या है हमारे पास, पी का मान हमारे पास है टेन एक्स, और डी डब्ल्यू डी एस का मान क्या है कॉस एक्स अपॉन इसका मान कितना हो जाएगा डी डब्ल्यू डी एस का होल स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए आप माइनस के साइन एक्स और टेन एक्स भी क्या है साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल और साइन और प्लस माइनस क्या देंगे जीरो, जीरो बटे में कॉस स्क्वायर एक्स, तो जीरो बटे में कॉस स्क्वायर एक्स अगर करोगे तो टर्म क्या आएगी जीरो आएगी ना। ठीक है, जो टर्म क्या आएगी जीरो जाएगी यानी कि पी वन का मान क्या हो गया जीरो हो गया जो हम चाहते भी थे। ठीक है, और आर वन का मान, आर वन क्या है आर अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर जो आर है आपके पास उस आर में बस
ले लेते हैं आर कैप टू कॉस की पावर 4x अपॉन थीटा अपॉन डीएक्स का होल स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स, और एक कॉस स्क्वायर से 4 कट गया तो क्या बच गया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बच गया। अभी सारे मान रख देते हैं समीकरण में, मेन में ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई अपॉन डी जेड प्लस क्यू वन वाई बराबर आर वन वाली फॉर्मूला देते हैं तो क्या हो जाएगा मान, पी वन का मान क्या आया 0, तो 0 हो जाएगा। क्यू वन का मान क्या है हमारे पास, अचर है माइनस के 2, तो माइनस के 2 वाई, और आर वन का मान कितना है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्म बन गई आपका अचर गुणांकों वाली समीकरण, यानी कि डी स्क्वायर माइनस के 2 इंटू में वाई बराबर में 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह जेड का मान रख सकते हैं, जेड में चेंज करना है बिल्कुल, तो जेड का मान कितना है साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यानी कि 2 इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉल्व करना है हमारे को, साइड समीकरण ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस के 2 बराबर में 0, एम स्क्वायर बराबर में 2 एंड एम बराबर प्लस माइनस 2, तो सी एफ तो आपके पास क्या हो जाएगा सी वन कॉस जेड, सॉरी कॉस जेड टू, सी वन ई की पावर जेड प्लस सी टू ई की पावर माइनस जेड माइनस 2 जेड। ठीक है, 2 जेड आ जाएगा ना, प्लस माइनस में आ रहा है, सॉरी रूट में आ जाएगा ये रूट में। ठीक है, ई की पावर रूट 2 जेड और ई की पावर माइनस के रूट 2 जेड। ठीक है, ये टर्म बनेगी पावर रूट 2 जेड और पावर माइनस के रूट 2 जेड। ठीक है, और अब हमारे पास पी आई निकालते हैं, पी आई निकालने के लिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस के 2 एंड 2 इंटू 1 माइनस के जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, माइनस की टर्म बाहर लेकर 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2 पावर माइनस, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस को बाहर ले लिया तो 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि फॉर्म बन गई, और ये जाएगा 2 इंटू 1 माइनस के जेड स्क्वायर। ठीक है, प्रोसेस खोल लो इसका, 2 तो आ गया जाएगा, यहाँ पर 2 तो बाहर से बाहर कट जाएगा ना, 1 अपॉन 2 तो कॉमन भी तो आएगा। ठीक है, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 2 प्लस डी की पावर 4 बाय 4 और 1 माइनस के जेड स्क्वायर। तो 1 से करोगे तो 1 माइनस जेड स्क्वायर आएगा, इससे करोगे तो क्या आएगा डी स्क्वायर 1 का हो जाएगा 0, डी हो जाएगा 2, ये दो बार कलन होगा ना, 2 जेड होगा फिर 2 हो जाएगा माइनस के 2, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 इंटू माइनस के 2। ठीक है, आगे करने की जरूरत नहीं है कि इससे तक 0 हो जाएगी। ठीक है, माइनस 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1 ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 1 प्लस के जेड स्क्वायर और माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 क्यों, ये प्लस 1 हो जाएगा ना, ये 12 माइनस से आ रहा है। ठीक है, तो ये जगह कैंसिल यानी कि जेड स्क्वायर, तो वाई क्या हो जाएगा सी वन की पावर रूट 2 जेड प्लस सी टू की पावर माइनस के रूट 2 जेड प्लस के जेड स्क्वायर। चेंज करना हो उसमें एक्स वाली फॉर्म में तो रूट 2 जेड हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी टू की पावर माइनस के रूट 2 हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर, समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं। मेनली बात तो क्या थी, आपको यहाँ पर क्यू की वैल्यू जो है वो अचर माननी है। ठीक है, क्यू की वैल्यू आपने अचर मान ली तो आपको सारा काम यहाँ हो जाएगा सॉल्व। ये यहाँ पर जो मैंने माइनस 2 मानी थी वो अचर लेनी है, यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही है वही इसके बराबर में आ जाएगा, समझ में आ गया ना, जो वैल्यू बराबर में आ रही है ना वही वैल्यू इसमें क्लियर हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि आपका जो टर्म है वो पूरी नहीं हो सकती, माइनस 2 जो टर्म है वो आगे आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।